बॉलीवुड में अक्सर कई ऐसी फिल्में बन जाती हैं जिनसे जुड़े मुख्य कलाकारों के अलावा उनसे जुड़े अन्य कलाकार भी दर्शकों के जहन में अपनी एक अलग छाप छोड़ जाते हैं, और उन फिल्मों को दर्शक जब भी याद करते हैं तो उन खास कलाकारों के चेहरे बरबस ही उनकी आंखों के आगे आ जाते हैं। 90 के दशक के आखिर में एक ऐसे ही कामयाब फिल्म प्रदर्शित हुई थी जिसका नाम था वास्तव, और इस फिल्म में डेढ़ फुटिया नामक के किरदार में एक एक्टर नजर आए थे जिनका नाम है संजय नार्वेकर, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से उस किरदार को और खास बना दिया। इस किरदार में संजय नार्वेकर ने ऐसा काम किया कि बगैर उनका नाम लिए अब इस फिल्म के बारे में बात करना भी अधूरा सा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अभिनेता संजय नार्वेकर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने किस्सों के बारे में। संजय नार्वेकर का जन्म 1962 में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के एक महाराष्ट्रीयन परिवार में हुआ था। सिंधुदुर्ग से ही शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद संजय नार्वेकर ने मुंबई के रुइया कॉलेज में दाखिला लिया, जहां वे अपने कॉलेज में क्रिकेट और फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ियों में गिने जाते थे। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि अभिनय करने में ना तो संजय की कोई खास रुचि थी और ना ही वे इसे कभी करियर के रूप में ही देखते थे, फिर भी उन्हें नाटकों में अभिनय करना पड़ा। दोस्तों, संजय का अभिनय के क्षेत्र में आने का किस्सा बहुत ही दिलचस्प है। हुआ यूं कि एक दिन उनका एक खास दोस्त जो कि नाटकों में काम करता था, उसने संजय से बताया कि उसके ग्रुप के एक एक्टर को नाटक से बाहर कर दिया गया है और ग्रुप के लोग कई घंटों से उसकी जगह भरने के लिए किसी और एक्टर की तलाश कर रहे हैं। दरअसल उनके ग्रुप को इंटर कॉलेजिएट ड्रामा प्रतियोगिता में हर हाल में प्रदर्शन करना ही था, इसलिए वो लोग बहुत परेशान थे। ऐसे में संजय के दोस्त ने संजय को उस लड़के की जगह एक्टिंग करने के लिए रिक्वेस्ट किया, जिसे संजय ने एक अच्छे दोस्त के फर्ज की तरह स्वीकार कर लिया। तत्काल उन्हें नाटक के डायरेक्टर के सामने पेश भी कर दिया गया। डायरेक्टर मिस्टर पाटिल ने संजय से पूछा कि क्या वह बिना अभ्यास के नाटक के संवाद बोल पाएंगे। संजय ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, बोल लूंगा। संजय के आत्मविश्वास को देखते हुए उन्हें इस नाटक में शामिल कर लिया गया। मजे की बात ये हुई कि संजय द्वारा अभिनीत उनके इस पहले नाटक कोलिया राजा को उस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ नाटक के लिए पुरस्कृत भी किया गया। हालांकि संजय को इस नाटक में कोई व्यक्तिगत पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन बगैर किसी अभ्यास के उनके बेहतरीन प्रदर्शन को हर किसी ने खूब सराहा, और वहीं से बतौर अभिनेता नाटकों में अभिनय करने की उनकी दिलचस्पी भी बढ़ गई। उसके बाद उन्होंने ढेरों मराठी नाटकों में हिस्सा लिया जो आज तक बदस्तूर जारी है। संजय द्वारा अभिनीत कुछ नाटकों में रंगीला रंगीला रे, ऑल द बेस्ट, खेमेली और अमहीलो रे जैसे ना जाने कितने ही नाम शामिल हैं। फिल्मों में संजय की शुरुआत 80 के दशक में ही उनके नाटकों में काम करने के दौरान ही हो गई थी। राज बब्बर और नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म अंधा युद्ध में काम करने के साथ साथ उन्होंने रंगमंच पर काम करना जारी रखा। उसके बाद वो नजर आए वर्ष 1998 में प्रदर्शित मराठी फिल्म नवा साचे पोर में। बाद में उन्होंने टेलीविजन पर काम करने का मन बनाया और वर्ष 1999 में अलग अलग कहानियों पर आधारित टीवी शो गुब्बारे की एक कहानी में काम किया। टीवी पर शुरुआत तभी हुई ही थी कि उनके एक्टिंग जीवन का वह टर्निंग पॉइंट आया जिसका हर एक्टर को इंतजार रहता है। वर्ष 1999 में ही प्रदर्शित हुई सुपरहिट फिल्म वास्तव ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड स्टोरी पर आधारित महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में संजय दत्त, नम्रता शिरोडकर, मोहनीश बहल, परेश रावल, रीमा लागू और शिवाजी साटम जैसे ढेरों एक्टर्स के साथ साथ संजय नार्वेकर भी शामिल थे। फिल्म वास्तव में संजय नार्वेकर को डेढ़ फुटिया की भूमिका के लिए खूब सराहना मिली थी। इस फिल्म में नायक के दोस्त की भूमिका में शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड की ओर से सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता की श्रेणी में नामांकित भी किया गया। इस फिल्म के लिए अभिनेता संजय दत्त को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। फिल्म वास्तव के बाद तो संजय नार्वेकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक ढेरों फिल्मों बागी, दीवार, एक और 11, फिजा, हंगामा, जोड़ी नंबर 1, बस इतना सा ख्वाब है, एहसास द फीलिंग, प्यासा, किस्मत और चांद के पार चलो सहित लगभग 30 फिल्मों में विभिन्न भूमिकाएं निभाई। हिंदी फिल्मों के साथ साथ संजय ने अपनी मातृभाषा यानी मराठी भाषा की फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया। एक और जहां हिंदी फिल्मों में संजय को सहायक और चरित्र भूमिकाएं मिलती थी, तो दूसरी तरफ मराठी फिल्मों में उन्हें मुख्य भूमिका वाली फिल्में मिलने लगी। उनके द्वारा अभिनीत मराठी फिल्मों के सफल होने से वे इतने व्यस्त हो गए कि हिंदी फिल्मों से उनकी दूरी बढ़ती ही चली गई। उन्होंने 9 महीने 9 दिवस, खबरदार, सरीवर सारी, जबरदस्त, आगा बाई ओरचा, चेकमेट, कैपचीनो, आता पिटा,
खारी बिस्किट और गंभीर पुरुष आदि जैसी ढेरों सफल मराठी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाई। हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा संजय वर्ष 2013 में प्रदर्शित तेलुगु फिल्म लॉटरी में भी नजर आए। फिल्मों में सफल होने के बाद संजय ने एक बार फिर टेलीविजन की ओर रुख किया और साथ ही कई वेब शोज में भी काम किया, जो अभी भी बदस्तूर जारी है। टेलीविजन पर उनके द्वारा अभिनीत धारावाहिकों में माय नेम इज लखन, पार्टनर्स, गुम है किसी के प्यार में आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2020 में संजय नेटफ्लिक्स की फिल्म सीरियस मैन में भी नजर आए। इस फिल्म में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिका में दिखे, तो वहीं संजय एक ताकतवर मराठी नेता की सशक्त भूमिका में दिखाई दिए थे। इस भूमिका के लिए उन्हें बहुत सराहना मिली। इसके बाद वो वेब सीरीज एस्केप लाइफ सहित कुछ अन्य शोज में भी नजर आए। दोस्तों, नाटकों से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत करने वाले संजय ने कभी भी रंगमंच को नहीं छोड़ा। वे कहते हैं कि नाटक उनका जुनून है और वे नाटकों से आज भी बहुत कुछ सीखते हैं। रंगमंच से जुड़े रहने के लिए संजय साल में कम एक नाटक से जरूर जुड़ते हैं। उनका मानना है कि रंगमंच आपको अपने अभिनय कौशल को बढ़ाने और अपनी क्षमताओं को सुधारने का मौका देता है। संजय का कहना है कि नाटकों में अभिनय करना एक प्रयोग की तरह होता है, कारण कि आप हर शो में चरित्र के साथ खोज और प्रयोग कर सकते हैं और दर्शकों की त्वरित प्रतिक्रिया आपको अपने प्रदर्शन के साथ साथ मनोबल बढ़ाने में भी सहायता प्रदान करती है। दोस्तों, 3 दशकों में इतनी सारी फिल्मों का हिस्सा रह चुके संजय आज भी अपनी हर फिल्म को पहली फिल्म जैसा ही समझकर कड़ी मेहनत करते हैं। वे कहते हैं कि एक फिल्म के पूरा होने के बाद मैं फिर से एक संघर्षरत व्यक्ति की तरह महसूस करता हूँ। अपने सदे हुए अभिनय को लेकर संजय यह बताते हैं कि मैं हमेशा देखता हूँ कि एक निर्देशक मुझसे क्या उम्मीद करता है और मैं एक चरित्र को क्या दे सकता हूँ। मैं फिर दोनों को मिला देता हूँ और एक कोलाज पेश करता हूँ। दोस्तों, संजय का झुकाव निर्देशन की तरफ भी है। उनका कहना है कि फिल्म निर्माण की भाषा अब बदल रही है और वे इन नई चीजों को पहले सीखेंगे। इसके बाद उन्हें लगा कि अब वे इसे समझ गए हैं तो वे निश्चित रूप से निर्देशन की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया से दूरी बना के रखने की बात पर संजय का कहना है कि वो थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं और केवल व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया एक बेहतरीन माध्यम है, लेकिन हमें लगातार लोगों के सामने रहने से बचना चाहिए, क्योंकि मेरा निजी जीवन मेरा होना चाहिए। उनका मानना है कि इसके बजाय उन्हें अपने परिवार को समय देना चाहिए। दोस्तों, संजय के पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी अर्चिता नार्वेकर भी रंगमंच की एक कलाकार रह चुकी हैं और वे भी फिल्म के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। अर्चिता मराठी फिल्मों की एक कार्यकारी निर्माता हैं और साथ ही उन्होंने कई मराठी फिल्मों में बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम भी किया है। संजय नार्वेकर के एक बेटे भी हैं जिनका नाम है आर्यन एस नार्वेकर, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ बतौर बाल कलाकार मराठी फिल्म बोकासत बंद से अभिनय की शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, संजय बताते हैं कि उनकी पत्नी अर्चिता और बेटे आर्यन ही उनके सबसे बड़े आलोचक हैं और वे उन्हें ग्राउंडेड रखते हैं। वे संजय के काम की आलोचना करने से नहीं कतराते। संजय कहते हैं कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनके पास आलोचना का व्यक्तिगत स्पर्श है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि संजय नार्वेकर जी के जीवन पर आधारित यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स के जरिए जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।